यो गाइस व्हाट्स अप, आज है अप्रैल 3। सो आज तो हाफ डे था, फिर मैं लाला भाई के इधर ही बैठा था। अभी मेरे होटल पे आके बैठा हूँ, आया कोई नहीं था। फिर ये सब टेबल्स वगैरह लगाए, ये सब खोला या सब पोछा वीचा सब कुछ हो गया, फिर वो लगाए। फिर कब से पानी लाया, तीन कैन पानी लाया, फिर बैठा। अभी जाकर बैठा, 6:25 हो रहा है और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। यो गाइस व्हाट्स अप, आज 3 अप्रैल था तो हाफ डे था आज। उसके घर पे था लाला क्या, अभी भी लाला के घर के इधर ही आया। वो बंदा आ रहा है, उसका गाड़ी लेने जाना है। और आज हाँ, आज मैंने सेठ को मैसेज डाला था मैंने कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मतलब घर वगैरह चेंज कर रहा हूँ तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने सुबह से मेरा मैसेज नहीं देखा, और अब रात को जब हिसाब देता हूँ उनको तो तब जाके उन्होंने मैसेज देखा। उन्होंने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया उस रिलेटेड, पता नहीं अब क्या होगा, देखता हूँ। और तो अपना ये एक बंदा आता है, मतलब एक अंकल ही है, मतलब थोड़ा यंग ही है, 30 एज होगा उनका शायद, बहुत यंग एकदम एक्टिव है। तो वो आए थे, वो बोल रहे थे ऐसे मजाक करते हैं ऑल टाइम, मतलब बहुत एनर्जेटिक है ना, तो मजाक करते रहते हैं। तो पहले तो उन्होंने ऐसे हल्लू से बोला वेलकम बोल रहे थे, सुनाई दिया। मैं बोला हाँ सुनाई दिया। बोला क्या बोला, मैं बोला वेलकम। फिर हंसे, वो भी हंसे। फिर उसके बाद थोड़ा वो हाथ धो के आए, फिर मेरे को पूछ रहे इंग्लिश आती है, मैं बोला हाँ इंग्लिश आती है। फिर वो बोल रहे कि ऑनेस्टी और स्मार्टनेस के अंदर कौन सा अच्छा है, स्मार्टनेस या ऑनेस्टी। मैं बोला ऑनेस्टी। वो बोल रहे तुम ऑनेस्ट हो, मैं बोला हाँ ऑनेस्ट हूँ मैं। वो बोल रहे ओके कीप इट अप, ये देखो देखो इस कुत्ते को देख के, इसकी चुल कुत्ता देखो, उसे देख खबर खाबे ओके दे दो कचटा, नहीं चल जा पे चल देगा। चलो बाय गाइस। गाइस अभी मैं और लाला कचरा फेंकने गए थे, मैं तो मेरे घर के इधर आ चुका हूँ, तो उसका गाड़ी भी लेना था ना, तो कचरा फेंकने गए थे। फिर उसमें क्या हुआ, हम कचरा फेंके एंड वैसे भगा रहे थे, तो सामने कुछ लड़के थे 8 से 9 लोग, ठीक है। वो लोग ने रुकाया हमें, ऐसे पटक से ऐसे आ गया सामने और रुकाया मेरे को ऐसे मार। पहले क्या हुआ देखो, एक बंदा आया सामने ऐसे आके रुक गया लाल टी शर्ट में, और यहाँ पे लेफ्ट बंदा, वो लाल सामने वाले बंदे ने उसको बोला मार इसको, मेरे को मारा उसने ऐसे जोर से। फिर मेरे सामने दूसरा उसका दोस्त आके उसको रोक रहा है, बोल रहा है ए छोड़ छोड़ जान दे, ए जाओ जाओ जाओ। फिर मैं फुल भगाया आगे तक, लाला को बोला भाग भाग भाग। फिर आया वो बेटा, फिर हम चले आए। तो अब पता नहीं क्या रीज़न था मारने का, बस इतना पता है कि वो बहुत पिया हुआ था, तो मैं वो देखा कि बहुत पिया हुआ था, तो मैं बोला छोड़ रहे लाला कुछ नहीं होता ये सब। फिर अभी मैं आ गया हूँ, बाय गाइस। ये देखो ये कुत्ता रो जाता है मेरे पास, बस उसको ऐसे करना होता है इसलिए। चल जा